Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. अपने नेवर से डाई एटीट्यूड से करोड़ों लोगों में जीतने का जज्बा पैदा करने वाले इस महान क्रिकेटर ने भारत की इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस किया, आइए देखते हैं। भारत को 1983 में वर्ल्ड कप जीतता देख एक दिन वही ट्रॉफी जीतने का सपना अपनी आंखों में लिए 11 साल के सचिन ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। वो जल्द ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए सिलेक्ट हुए और विरोधी टीम्स के लिए सरदर्द बन गए। सचिन के कोच रमाकांत आचरेकर जी ने उनके टैलेंट को निखारते हुए उन्हें लंबी पारियां खेलने के लिए तैयार किया। सचिन अब क्रीज पर टिके रहते और बोलर्स को फील्ड में थका देते। उनका टैलेंट ज्यादा दिन छुपाए नहीं छुपा और मात्र 16 साल की उम्र में सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला। पहले ही मैच में एक जबड़ा तोड़ बाउंसर से चोट खाकर घायल हो जाना किसी भी बल्लेबाज को डरा देगा, लेकिन सचिन डरने वालों में से नहीं थे। वो बिना मेडिकल हेल्प लिए क्रीज पर डटे रहे और पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों का सामना करते रहे। निडर होकर खेलने के उनके इस जज्बे ने विरोधी टीम्स के खिलाड़ियों में डर पैदा किया और भारत के लोगों का दिल जीत लिया। फिर 1990 में जब भारतीय टीम इंग्लैंड के टूर पर गई तो किसी को भारत के बल्लेबाजों से कोई उम्मीद नहीं थी। इंग्लैंड तेज और बाउंसी पिचेस के लिए मशहूर थी और भारत के बल्लेबाज वहां जल्दी आउट होने के लिए, पर 17 साल के सचिन ने अपने से ज्यादा अनुभवी गेंदबाजों को आसानी से खेलते हुए मैनचेस्टर में अपनी पहली इंटरनेशनल टेस्ट सेंचुरी बनाई। कमेंटेटर्स और क्रिकेट पंडित्स उनकी खेलने की टेक्निक देखकर हैरान रह गए। वो चट्टान की तरह डिफेंड करते और चील की तरह अटैक। इस सेंचुरी के साथ उनकी रन बनाने की मशीन शुरू हुई और सालों तक चलती रही। सचिन ने अपनी धुआंधार बैटिंग और टीम को जिताने के जज्बे से भारत की जनता के दिल में एक खास जगह बना ली। उनकी बैटिंग से टीम के बाकी प्लेयर्स भी प्रेरित हुए और धीरे धीरे भारतीय टीम मजबूत होने लगी। देश के हर कोने से लोग सचिन की बैटिंग फॉलो करते और जब भी वो ग्राउंड पर उतरते पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारों से गूंज उठता। क्रिकेट मैचेस इवेंट बन गए जिनको पूरा परिवार साथ बैठकर देखता था। सचिन की बैटिंग देखने के लिए देश मानो थम सा जाता था। वो सही मायनों में इंडिया के ग्लोबल एम्बेसडर बन गए। ये वही समय था जब ग्लोबलाइजेशन ने भारत के दरवाजे पर दस्तक दी और क्रिकेट ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। कई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत में एंट्री ली और सचिन की वजह से क्रिकेट की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख इस दिशा में अपना ध्यान केंद्रित किया। भारत के लोग क्रिकेट के लिए इतना पैशनेट हो गए थे कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट करने का ये सबसे आसान रास्ता लगा। भारतीय टीम को स्पॉन्सर्स मिलना आसान हो गया और मैचेस के मीडिया राइट्स के दाम बढ़ते चले गए। क्रिकेट की वजह से देश की इकोनॉमी में बूम आया जिसका लाभ समाज के हर स्तर को हुआ। सचिन ने अपने शॉट्स से लोगों की दिल की धड़कनें तेज करने के साथ साथ भारत की इकोनॉमी भी तेज कर दी। टेस्ट्स और वनडे बल्लेबाजी के कुछ ही रिकॉर्ड्स होंगे जो सचिन ने नहीं तोड़े होंगे। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स और सेंचुरीज का उनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से बुलाए जाने वाले सचिन ने आखिरकार 2011 में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर अपना 1983 का सपना पूरा कर ही लिया। भारतीय टीम का उनको अपने कंधों पर उठाकर स्टेडियम का चक्कर लगाने का दृश्य कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता। 2014 में भारत सरकार ने सचिन को स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन के लिए भारत रत्न देकर सम्मानित किया। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर ने बहुत ही खूबसूरती से सचिन के टैलेंट को समअप करते हुए कहा है, There are two kinds of batsmen in the world. One, Sachin Tendulkar. Two, all the others.
सचिन जैसा टैलेंटेड बल्लेबाज शायद ही कभी दोबारा क्रिकेट फील्ड पर कदम रखे।